वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। जैसा कि हमने सर्किल के बारे में डिटेल में स्टडी किया है, सारे प्रॉपर्टीज़ सर्किल के बारे में पढ़ चुके हैं हम, थ्योरम्स भी हमने सर्किल के ऊपर किए हैं। तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो होमवर्क का डिस्कशन है और असाइनमेंट 1 का डिस्कशन है सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल टू AC मीन्स ये दोनों साइड क्या इक्वल दे रखी हैं और दोनों की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और BC की बात करें तो BC हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हैज़ बीन इंस्क्राइब इन ए सर्किल, जिस उस ट्राइंगल को हमने एक किसी सर्किल में इंस्क्राइब किया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल मीन्स हमें OB फाइंड करनी है। OB हमारी क्या रेडियस है, तो OB फाइंड करनी है। OB इक्वल टू R हमें फाइंड करना है। चलो तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो मैंने क्या किया कि ए वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मुझे पता है जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप करूँगा उसी लाइन पे क्या होगा, सेंटर होगा, क्योंकि इंस्क्राइब किया गया सर्किल में। चलो तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो AL है वो मेरा सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर से पास हो रहा है तो BC कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा और BC कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये टोटल मेरा 12 सेंटीमीटर था तो BL कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, और LC कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो अगर मैं ट्राइंगल ABL की बात करूँ, ABL की बात करूँ तो AB का स्क्वायर इक्वल टू बाकी अदर दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास AL इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस यानी 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर रूट यानी 64 आ जाएगा, 64 स्क्वायर रूट यानी 8। तो मुझे पता चल गया ये जो टोटल लेंथ है, लेट मी रफ, यहाँ से जो ये लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर निकल के आई और मैंने OB को R कंसिडर किया है तो ये भी मेरा क्या होगा, R ही होगा। तो ये टोटल मेरे पास 8 है और ये मैं माइनस कर दूंगा तो OL निकल के आ जाएगा। तो OL कितना आ जाएगा, OL निकल के आ जाएगा 8 माइनस ऑफ R, OL निकल के आ जाएगा 8 माइनस ऑफ R। अब मैं किस ट्राइंगल की बात करूँगा, मैं अब BLO ट्राइंगल OBL की बात करूँगा या फिर BOL एक ही बात है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OL का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सारी वैल्यू पुट कर दूँगा कि ये 6 गिवेन है, ये R है और ये 8 माइनस R गिवेन है, तो तीनों से मुझे क्या मिल जाएगा, R की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 6.28 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो इन फिगर एंगल ABC मीन्स ये एंगल पूरा गिवन है 69 एंड ACB और इस यानी ये ट्राइंगल ABC के लिए बात कर रहे हैं हम, ABC ये जो ट्राइंगल है वो 31 गिवन है, ठीक है। तो ये 69 ये 31 टोटल सम मेरा ट्राइंगल के एंगल का कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, 180 माइनस 69 माइनस 31 कर दूंगा तो मुझे यहाँ से कितना मिल जाएगा, 80। तो मींस एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 80। और मुझे पता है कि कोई भी लाइन सर्किमफेरेंस पे, कोई भी कॉर्ड, ये कॉर्ड है मेरी BC, कोई भी कॉर्ड सर्किमफेरेंस पे इक्वल एंगल बनाती है तो एंगल A इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल D और एंगल A की वैल्यू तो मुझे पता है 80 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो PQ एंड RS आर द टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, ठीक है। दो मतलब कोई भी सर्किल की दो पैरेलल कॉर्ड दी रखी हैं PQ एंड RS और दोनों, और इसकी रेडियस गिवन है
रेडियस गिवेन है कितनी, 10 सेंटीमीटर, मीन्स ये कितना है, 10 है, और ओ आर बी कितना होगा, 10 होगा। पी क्यू ये वाली डिस्टेंस हमें 16 गिवेन है, और आर एस की वैल्यू हमें कितना गिवेन है, 12। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड आर एस, तो हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मीन्स हमें एल एम निकालना है। क्या निकालना है, एल एम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलो तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ट्राइंगल एक ट्राइंगल में पी या ओ पी एल की बात करूं, ओ पी एल की बात करूं, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये मेरी टोटल कितनी थी, 16 थी, तो पी एल कितना हो जाएगा, 8, और आर एम कितना हो जाएगा, 6। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल से निकालूँ तो ओ एल की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यहाँ से ओ एल की वैल्यू मिल जाएगी मुझे क्या, 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ, ये 8 निकल गया, 8 का स्क्वायर यानी 64। तो ओ एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 100 माइनस 64 यानी 36। 36 इसका स्क्वायर रूट जैसे लूँगा तो ओ एल की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 सेंटीमीटर, मीन्स ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अगर मैं ओ एम और निकाल लूँ, उसमें से मैं ओ एल माइनस कर दूँ तो एल एम निकल के आ जाएगा। तो मैंने ट्राइंगल लिया कौन सा, ट्राइंगल ओ आर एम, ट्राइंगल ओ आर एम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, क्यों, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ से मुझे ओ एम की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये 6 गिवेन है और ये मेरा 10 गिवेन है, तो 100 माइनस 36 करूँगा तो 64 आएगा। 64 का स्क्वायर रूट लेने पर 8 सेंटीमीटर, मतलब ओ एम की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। मुझे क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालना है तो दोनों का मैं डिफरेंस ले लूँगा, 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए डी एंड ए सी। ओके, ये दोनों क्या है, डायमीटर है, तो मीन्स सेंटर इन पे लाई करेंगे। प्रूव दैट बी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी। ओके, मीन्स क्या कह रहा है कि ये पूरी एक लाइन ही होनी चाहिए, या फिर डी सी लाइन पर ही बी लाई कर रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं बी डी बी सी कोलिनियर है, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं ट्राइंगल अगर मैं इसकी बात करूं, पहले वाले सर्किल की बात करूं, तो ये क्या है, ये मेरा डायमीटर है, और बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट क्या है, सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एंगल सर्कमफेरेंस पे बना रहा है डायमीटर, तो मींस ये कितना होगा, 90 डिग्री। अगर इस वाले सर्किल की बात करूँ तो ये क्या है, यहाँ पे ये भी डायमीटर है, ए सी डायमीटर है, और बी पॉइंट क्या है, बी इसके सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, तो मींस ये भी एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो मींस मुझे ये ऐसे पता चल गया, ये मेरा कोई डी है, ये कोई बी है, और ये सी है, तो बी टोटल एंगल जो बना रहा है वो 180 डिग्री बना रहा है, और 180 डिग्री कब बनाता है, जब वो लाइन पे होता है, तो दोनों का मेरा सम कितना आ रहा था, 180 डिग्री। तो बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, वो लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, डी सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो टू सर्किल इंटरसेक्ट ए एंड बी एंड ए सी एंड ए डी आर रेस्पेक्टिवली डायमीटर ऑफ द सर्किल टू प्रूव सी बी डी। ये तो सिमिलर क्वेश्चन है 4 की तरह, तो जैसे कि ये डायमीटर कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, और टोटल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री आ जाएगा। तो मीन्स ये सी डी लाइन पे बी पॉइंट लाई कर रहा है, बी पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि
ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर की प्रॉपर्टी यही होती है कि वो सारे पॉइंट क्या होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल। ओके, ए बी सी मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ए डी सी, ए डी सी ये दोनों ही क्या है, राइट एंगल, ए डी सी सॉरी, ये दोनों ही क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है विथ कॉमन हाइपोटेनियस। मीन्स ये क्या है, एक कॉमन हाइपोटेनियस है। प्रूव दैट एंगल ऑफ सी ए डी, मीन्स ये एंगल, और सी बी डी, ये एंगल, तो ये एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर मैं इस एंगल को वन बोल दूँ, इसको एंगल को टू बोल दूँ, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हमें फाइंड करना है। चलो मैं अगर बात करूँ तो ट्राइंगल ट्राइंगल ए सी बी, ए बी सी ले लो जाए, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए डी सी ले लो, ठीक है, तो ए सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए सी हो गया। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अपोजिट एंगल क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, पर हमें मतलब अदर साइड के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो नहीं बोला है तो फिर हम कंग्रुएंस वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, कंग्रुएंस वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें पता है कि ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल मेरे, एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया तो सर्किल पे क्या हो रहा है, कॉन्साइक्लिक हो रहे हैं। क्यों, कि अगर मैं इसको डायमीटर मान लूँ, इसको अगर मैं एसी को डायमीटर मान लूँ, तो ये मेरा 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, तो 90 डिग्री कहाँ पे बनाता है, सर्किमफेरेंस भी बनाएगा। अगर मैं इसको डायमीटर मान के अगर नीचे की तरफ देखूँ तो ये भी क्या 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री कहाँ बनाएगा, सर्किमफेरेंस पे बनाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों जो ट्राइंगल है वो एक कॉन्साइक्लिक हो रहे हैं। मीन्स चार पॉइंट जो ए बी सी डी हैं वो चारों कहाँ पे लाई करेंगे, सर्किल पे लाई करेंगे, और जो सर्किल बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, ए सी डायमीटर का बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ए बी सी डी क्या है, कॉन्साइक्लिक है, कॉन्साइक्लिक है, तो लाइन सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो प्रूव दैट वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस। ओके, देन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एंगल। ओके, इंटीरियर का अपोजिट, ये मैंने थ्योरम भी कराई थी, अब मैं फिर से भी बता सकता हूँ। हमें प्रूव करना है इसको, मैं एंगल को सपोज एंगल वन कंसीडर कर लेता हूँ, ये जो एंगल है एंगल टू कंसीडर कर लेता हूँ, और इस एंगल को एंगल थ्री कंसीडर कर लेता हूँ, और मुझे जो प्रूव करना है वो एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री प्रूव करना है। चलो अगर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ, क्योंकि ये चारों जो वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटरल के वो सर्किल पे लाई कर रहे हैं, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, तो मीन्स एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अगर इसको मैं फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकंड मान लूँ, तो दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एंगल वन माइनस एंगल थ्री इक्वल टू जीरो,
तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री आ जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो प्रूफ दैट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल थ्रू ए गिवन पॉइंट विद इट एट लीस्ट वन विच इज़ बाइसेक्टेड एट पॉइंट। ओके, क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी सर्किल है और जिसमें कोई भी मतलब कॉर्ड ले लो, कितनी भी कॉर्ड ले लो, यहाँ पे मैंने दो ही कॉर्ड कंसिडर करी है, तो वो कह रहा है कि जो बाइसेक्ट करता है वो क्या होता है? लीस्ट कॉर्ड होती है। मतलब जो मतलब कोई हमें प्रॉपर्टी पता है कि कोई भी सेंटर से कोई भी लाइन पास होती है और वो कॉर्ड को हमें क्या करती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, तो दो मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे, मीन्स कि ये सेंटर है, ये कोई कॉर्ड है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगा। तो इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है। हमें बताना है कि जो जितना पास होता है वो ग्रेटर होती है और जो दूर में कॉर्ड होती है वो लेस होती है। तो मींस हमें ए बी इज़ लेस देन सी डी बताना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर ओ एन, ओ एन क्या है? ओ एन अगर मेरा लेस है ओ एम से, तो मेरा क्या हो जाएगा? ओ एम अगर ओ एन से ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर लेके चला हूँ, तो ए बी क्या हो जाएगा? मुझे पता है कि जैसे मेरा कोई सर्किल है, ये सेंटर है, तो जितना पास में होगी उतनी ही क्या होगी? लेंथ ग्रेटर होगी। तो जितना दूर होती चली जाएगी उसी की लेंथ कितनी होगी? कम होती चली जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये सबसे लीस्ट होगी। अगर ऐसे कॉर्ड ले लूँ मैं, तो यहाँ से देखो ये डिस्टेंस क्या होगी? कम हो गई। तो मीन्स ये कॉर्ड क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। और नज़दीक ले लूँ तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? और ग्रेटर हो जाएगी। मीन्स लीस्ट वैल्यू पे जो है बाइसेक्ट करके आ रहा है, तो वो कॉर्ड हमें क्या देगा? ग्रेटर देगा। तो बस हमें यही प्रूव करना है। तो यहाँ से मैं देखने से पता चल रहा है कि अगर मैं ट्राइंगल इसको मैं बाइसेक्ट लेके चल रहा हूँ कि ये 90 डिग्री पे है, तो ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो मीन्स ये जो ट्राइंगल है ओ एम एन, ये क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो ओ एम क्या है? हाइपोटेनियस है। और ओ एन की बात करूँ तो ओ एन क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो ओ एम क्या होगी? ग्रेटर देन होगी ओ एन से। तो इनके करस्पॉन्डिंग तो जो साइड है यानी कॉर्ड है, तो उनकी लेंथ भी क्या होगी? ग्रेटर होगी। अगर ओ एम ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। पर यहाँ पे हम क्या लेके चले हैं कि सी डी क्या है? नियरर टू, यानी सी डी जो है वो क्या है? पास में, पास में। और पास में तो क्या आ जाएगा? जो छोटी वाली साइड है, यानी जो छोटी यानी डिस्टेंस है, जितनी कम डिस्टेंस होगी कॉर्ड उतने ही पास में आएगी, और पास में आएगी तो उतनी ही क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? सी डी इज़ ग्रेटर देन ए बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स ये ए बी सी तीनों एक लाइन पर लाई कर रहे हैं और डी ई एफ भी क्या कर रहे हैं? तीनों एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो प्रूव दैट ए डी इज़ पैरेलल टू सी एफ, मीन्स ये इसके पैरेलल होनी चाहिए, हमें ये प्रूव करना है। ओके तो अगर हम देखें तो ये चारों वर्टिसेस क्या कर रहे हैं? एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं, सर्किल पे लाई कर रहे हैं। तो ए बी सी डी क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो अपोजिट एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। तो मीन्स एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अभी थ्योरम मैंने देखी थी
कि अगर कोई इंटीरियर एंगल है, अगर मैं इस वाले के लिए बात करूँ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा कोई भी ले लो, बी ई एफ सी, अगर मैं इस वाले क्वाड्रिलेटर को लेके चलूँ, तो ये जो एंगल है वो क्या एक्सटीरियर एंगल है? एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो उस थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री। इन दोनों इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल वन प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल हो गया, तो मीन्स क्या है, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी से, अगर ये एंगल और ये एंगल का सम, दोनों का सम अगर 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो प्रूव दैट द डायमीटर इज़ द ग्रेटेस्ट कॉर्ड इन ए सर्किल। तो मैंने ये थ्योरम में भी बताया है कि जो मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगी जिस कॉर्ड की, फॉर एग्जांपल ये सर्किल है, ये सेंटर है, ठीक है, जितनी मान लो कि ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सभी की, वो जितनी जितनी मान लो कि इसके लिए अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए देखूँ, ये 1, 2, 3 और 4 चार है, फर्स्ट वाले के लिए देखो तो काफ़ी कम आई, और सेकंड वाले के लिए इतनी डिस्टेंस आ जाएगी, थर्ड वाले के लिए इतनी और फोर्थ वाले के लिए इतनी। तो जैसे मुझे पता चल रहा है कि ये जो लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ कि जो डायमीटर है वो सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है डायमीटर के लिए, 0 है। और इसके लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ कुछ ना कुछ तो मिलेगी मुझे, अगर कुछ ना कुछ डिस्टेंस मिली तो मतलब क्या है कि वो इस वाली कॉर्ड के कंपैरिजन में छोटी होगी, और छोटी होगी तो फिर जो डायमीटर है वही क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा बाय द थ्योरम।